चुनाव भंग करने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। भ्रमण के दौरान सीओ कमलेश कुमार, थाना प्रभारी एवं पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवान मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी क्रम में फतेहाबाद से राजेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज में अपनी सेन लगाते हुए अन्य पार्टियों के जातिगत समीकरण को उलट दिया है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी क्रम में फतेहाबाद से राजेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण समाज में अपनी सेन लगाते हुए अन्य पार्टियों के जातिगत समीकरण को उलट दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को जारी सपा की सूची में फतेहाबाद के गढ़ी गुसाई निवासी राजेश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंटरमीडिएट एसएससी तक शिक्षा ग्रहण राजेश शर्मा करीब 30 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और पीसीसी समेत अनेक पदों पर रहे। एक वर्ष तक वे भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट में रहे और उन्होंने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद वे अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जहां से उन्हें सपा द्वारा घोषित की गई सूची में प्रत्याशी घोषित किया गया। इस दौरान राजेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी का आभार जताते हुए उनके विश्वास पर खड़े उतरने की बात कही। फतेहाबाद विधानसभा में ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या के चलते समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर अपना दाव चलाया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में सपा में शामिल हुए विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा का विरोध देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं के दल बदल से सपा में विरोध तेज हो गया है। सोमवार को शिकोहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर आने वाले विधायक मुकेश वर्मा का विरोध करने का ऐलान किया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में सपा में शामिल हुए विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा का विरोध देखने को मिल रहा है। सोमवार को भी सपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखा गया, जहां कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं के दल बदल से सपा में विरोध तेज हो गया है। सोमवार को शिकोहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर आने वाले विधायक मुकेश वर्मा का विरोध करने का ऐलान किया। मुकेश वर्मा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र के लिए लायक नहीं है और न किसी क्षेत्र की जनता उनको बिल्कुल पसंद कर रही है और न हम और जन मैं आदमी सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे आदमी को टिकट देने का बिल्कुल प्रयास न करें और उसके बाद आपसे भी जनता दुष्ट हो जाएगी और हमारी जनता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं उसी को टिकट देने न सांसद जी से कहने से टिकट मिले। और मुकेश वर्मा को किसी भी क्षेत्र में पूरे छिकोहा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में न कोई जानता है, न उनका कोई सखर से जानता है, न कभी वो आए और न कोई वर्चस्व है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी टिकट कैंसिल किया जाए। हम इसलिए इकट्ठे हुए सभी लोग समाजवादी लोग हैं, सभी साथी और विशेष समाजवादी हैं। 5 साल तक समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत की हम लोगों ने। विधायक मुकेश वर्मा जो बीजेपी से विधायक थे हमारी पार्टी में किसी माध्यम से पहुंचे आए कोई बात नहीं, स्वागत है उनका, लेकिन टिकट के लायक कतई नहीं है वो, क्योंकि उनका चरित्र चित्रण पूरी मीडिया को पता है। जो ऑडियो उनकी वायरल हुई थी मुकेश वर्मा के साथ, बड़ा शर्मनाक ऑडियो थी उनकी और उनकी कोई जांच करा ली ऑडियो, जिसे 100% सत्य ऑडियो थी उनकी, मुकेश वर्मा जी और माननीय पप्पू जी विधायक जी की। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम किस मुंह से क्षेत्र में वोट मांगने जाएंगे ये हमारी जनता हमें बता दे, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता दें। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक मेरा निवेदन है, प्रार्थना उनसे कि कृपया ऐसे व्यक्ति को हमारा प्रत्याशी नहीं बनाए जिसका कोई चरित्र चित्रण नहीं है और जिसने 5 साल समाजवादी लोगों का उत्पीड़न किया, पीड़ित किया। उस आदमी ने आज मलाई खाने के लिए फिर समाजवादी बनाना चाह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का हम विरोध करते हैं सभी लोग साथ ही मिलकर। शिकोहाबाद में स्टेशन रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में सपा कार्यकर्ता ने कहा कि पार्टी के कई नेता चुनाव के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी भाजपा छोड़कर आए नेताओं को टिकट दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि दल बदलने वालों को टिकट दिया गया तो खुलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सपा में शामिल हुए भाजपा के शिकोहाबाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी में शामिल होना अच्छी बात है, मगर यदि प्रत्याशी बनाया जाता है तो सपा कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे, जिसका पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज़।
चलिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने दाखिल किया अपना नामांकन। भाजपा प्रथम चरण के चुनाव में आगरा के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल को फतेहपुर सीकरी विधानसभा का बनाया गया बीजेपी प्रत्याशी। आगरा एतमादपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने दाखिल किया अपना नामांकन। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल के साथ में महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और पार्टी पदाधिकारी रहे मौजूद। बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा ने बोला हमला। खेरागढ़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा, खेरागढ़ विधानसभा में बसपा को मिल रहा भरपूर समर्थन। भाजपा के खिलाफ कोरी समाज ने भरी हुंकार। अखिल भारतीय कोरी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगरा में की राजनीतिक बैठक। पार्षद बंटी माहौल के नेतृत्व में बैठक का किया गया आयोजन। उत्तरी विधानसभा पर नहीं खत्म हो रहा अग्रवाल समाज का विरोध। प्रत्याशी के रूप में उमेश कंसल पर्चा लेने पहुंचे कलेक्ट्रेट। मधुसूदन शर्मा ने किया पर्चा दाखिल, वहां विधानसभा से हैं प्रत्याशी। सपा की टिकटों में हुआ फेरबदल। वीरेन चौहान को एतमादपुर से बी फॉर्म मिला। रईस उद्दीन के पुत्र प्रिंस को मिली आगरा से टिकट। उत्तर से बसपा के पूर्व प्रत्याशी ज्ञानेंद्र गौतम। फतेहाबाद से राजेश शर्मा होंगे सपा से प्रत्याशी। सोमवार को विधायक रानी पक्षालिका सिंह और पूर्व मंत्री हरिदमन सिंह पहुंचे बटेश्वर। मुख्य महादेव ब्रह्मलाल मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। चंबल घाट मध्य प्रदेश सीमा बॉर्डर पर पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग। चुनाव होने तक जारी रहेगी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की चेकिंग। आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं खेरागढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा का क्या कहना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ताजनगरी आगरा की 9 विधानसभाओं में से 4 पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है, जबकि 5 चेहरे नए शामिल किए गए हैं। यानी जिस बात की संभावना थी ठीक वही हुआ। 2022 के विधानसभा चुनावों का दाव खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगा दिया है। साफ कर दिया था कि वही प्रत्याशी मैदान में होगा जो प्रत्याशी जिताऊ और टिकाऊ होगा। उत्तर प्रदेश की आगरा की अगर हम 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं पर बात करें तो खेरागढ़ पर चेहरा बदला गया है, जहां भगवान सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी का दावेदारी बनाया गया है। इसके अलावा चौधरी उदयभान जो राज्यमंत्री थे उनका टिकट काटकर चौधरी बाबूलाल को टिकट दिया गया है। ऐसे ही कई चेहरे शामिल किए गए हैं। खेरागढ़ से भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा इस समय हमारे साथ मौजूद है। पार्टी की दमदारी के साथ में विधानसभा चुनावों की क्या तैयारी है, आइए हम उनसे सीधी बात करते हैं। इस बार आपको प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। खेरागढ़ से आप 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2 बार जीत का सेहरा भी बंधा है। कैसी तैयारी आपकी और कार्यकर्ताओं का कैसा हर्षोल्लास देखने को मिला है? आज सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे खेरागढ़ से प्रत्याशी बनाया घोषणा की गई है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व को अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ खेरागढ़ की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से 2 बार खेरागढ़ की जनता ने अपना पूर्व सर्व समाज के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के
विधानसभा भेजने काम किया था। निश्चित रूप से आज सब समाज के लोग खिलाड़ के अंदर बड़े उत्साह के साथ तैयारी कर रहे हैं और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ करके अपने भाई भगवान सिंह कुशवाहा को विधानसभा में भेजने का काम तीसरी बार करेंगे। 2007 की हम बात करें, 2012 की बात करें, अब 2022 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कुशवाहा समाज से एक और प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से मैदान में है। 3,50,000 से ऊपर का मतदाता खिरागढ़ की विधानसभा पे बोला जाता है, क्या मानते हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोटिंग होनी है वो कितनी शत प्रतिशत जाएगी? भारतीय जनता पार्टी को सब समाज की वोटिंग के साथ साथ कुशवाहा समाज की वोट 95-98% वोटिंग होगी, मैं दावा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ मैंने देखा कि मुझे बूथों पर जब वोट डालते हैं कुशवाहा समाज के लोग तो मुझे मना करना पड़ता है कि इसमें से कुछ वोट 100% मत कर देना, क्योंकि चुनाव कैंसिल ना हो जाए, इस तरह का उत्साह लोगों में रहता है। रहा आपने बहुजन समाज पार्टी बात की है तो उसकी तो बात करना ही बेकार है। बहुजन समाज पार्टी अब समाप्ति की हो रही है, अब आगे इस चुनाव जो हो रहा है आगे वाले चुनाव में कोई प्रत्याशी भी पैदा नहीं होंगे इस चुनाव के लिए। अगर हम खैरागढ़ की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? खैरागढ़ के अंदर सब समाज के बात करूँ मैं तो जहाँ मुझे मौका मिला है, मुझे दो बार मुझे मौका मिला 10 साल में, चाहे पानी समस्या रही हो, चाहे सड़क नाली खरीदने की व्यवस्था रही हो, बिजली की व्यवस्था रही हो, मैंने जितनी भी ताकत थी पूरी ताकत के साथ तो और पूरा समाज बैठा लगा करके मैंने काम कराने का काम किया है खैरागढ़ के अंदर। और फिर मेरा एक ही उद्देश्य है खैरागढ़ के अंदर चिकित्सा शिक्षा और पानी की जो समस्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो उसको लेकर मैं काम करूँगा। दूसरे रहने के साथ साथ मैंने दो बार जब विधायक होने के बाद तीसरे बार मैं चुनाव लूज करके हार गया, लेकिन मैं घर नहीं बैठा। 5 साल तक लगातार हर भाई के साथ, हर समाज में, हर घर में, हर गांव में मैं उनके सुख दुख में जाने का प्रतिदिन मैंने किया। उसी का प्रतिफल है आज जनता के बीच इतना उत्साह है कि मैं उनके हर बीच में जाता हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मुझे सब समाज के लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। खैरागढ़ से भाजपा के प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा बता रहे हैं चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। खैरागढ़ की जनता से लगातार अपील की जा रही है कि इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव है एक नए तरीके से लड़ा जाना है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुल श्रेष्ठ, मून न्यूज। आगरा इत्मादपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल के साथ में महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने अपनी जीत का पुरजोर दावा किया। एतमादपुर विधानसभा में डॉक्टर धर्मपाल का चेहरा कोई नया नहीं है, इससे भी पूर्व डॉक्टर धर्मपाल एतमादपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। यही वजह है कि डॉक्टर धर्मपाल की छवि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर धर्मपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है और पार्टी ने दाव खेला है। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि आज एतमादपुर विधानसभा की जनता का उन्हें पूरा प्यार मिल रहा है और भारी बहुमत से जीतने का दावा किया है। हमारी तैयारियां पूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां सिद्धांत है उनके साथ साथ हमारे क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। अभी हमारे क्षेत्र में नहरें पक्की होनी है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है, साथ ही साथ खेल के मैदान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारा विकास का लक्ष्य पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं कोई विरोध या कहीं जैसी कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, प्रयास करूंगा उन्हें मनाने का, जाऊंगा उनके घर उन्हें मनाऊंगा और राजनीति में सब जायज है और मेहनत करूंगा। मुकाबला किससे मानते हैं? जनता का प्यार होता है तो जनता का प्यार है इस हमारे जनता का प्यार है इस हमारे मुकाबला किसी से नहीं है, जनता का आशीर्वाद है, जनता आशीर्वाद देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। जीत का क्या अंतर रहेगा? ये जनता तय करेगी, ये जनता के हाथ में है। एतमादपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल का कहना है कि विधानसभा के अंदर जो भी अधूरे विकास कार्य रह गए हैं विधानसभा में पहुँचने के बाद उन विकास कार्यों को भी जल्द पूरा कराया जाएगा। खैरागढ़ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला। आपको बताते चलें कि खैरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा विपक्षियों पर हमलावर हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के लोग बसपा के बढ़ते जनाधार और लोकप्रियता से परेशान है और आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चलें कि खैरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा विपक्षियों पर हमलावर हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष के लोग बसपा के बढ़ते जनाधर और लोकप्रियता से परेशान हैं, जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं।
झूठी अफवाहें कुछ फैलाई जा रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार आए दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस बढ़ते हुए जनाधार को से लोग विरोधी पार्टी के लोग हैं। चुनाव मैदान में जनता के बीच में पहुंचने वाले बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा का दावा है कि खैरागढ़ की विधानसभा की जनता उन्हें प्यार दे रही है। यही वजह है कि विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं और अर्नागल आरोप लगा रहे हैं। बसपा प्रत्याशी गंगाधर सिंह कुशवाहा विपक्षी प्रत्याशियों पर हमलावर हो चुके हैं और बसपा की जीत के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर प्रयागराज में किसानों का अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आगरा से किसान नेता और किसानों का प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन का अधिवेशन आयोजित हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर प्रयागराज में किसानों का अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आगरा से किसान नेता और किसानों का प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज के लिए रवाना हो गया। जिला कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह ने बताया कि जैसा किसान यूनियन का आदेश होगा उसका पालन समस्त कार्यकारिणी करेगी। आज जो है इलाहाबाद में मिशन उसका यूपी के उसमें और राष्ट्रीय अधिवेशन है भारतीय किसान यूनियन का। नहीं, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो हमें कुछ दिशा निर्देश देगा कि आगे क्या करना है और आगे की रणनीति क्या है। सरकार ने किसानों के साथ में ऐसा लग रहा है कि वादा खिलाफी की है। उन्होंने टाइम दिया था कि MSP पे कमेटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या लगता है कि अब दोबारा से किसान आंदोलन सक्रिय हो सकता है? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो अगर ऐसा निर्णय लेगा तो ऐसा भी हो सकता है। ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है। बाकी चुनाव आ रहे हैं तो क्या किसान यूनियन का रुख क्या रहने वाला है इस चुनाव में? नहीं, किसान यूनियन तो राजनीतिक है, चुनाव से उसे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी व्यक्तिगत अगर वोट की बात की जाए तो फिर भी क्या मत क्या रहने वाला है, ऐसा क्या लग रहा है? नहीं, ये तो जनता जान रही है कि सरकार कैसी है, तो जनता अपने आप ही निर्णय ले रही है। इलाहाबाद जा रहे हैं, टिकैत जी का अधिवेशन है, उनका आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित हों। क्या किस तरीके का अधिवेशन है, क्या बातचीत हुई है? केवल यही जो आजकल राजनीति में चल रहा है उसी पर विचार होगा। मोदी जी बार बार नया नया कोई ना कोई नया कदम उठाते रहते हैं और इस सरकार के जहाँ तक इस सरकार को बदलने का ही विचार है। ना टिकैत जी तो कभी भी चुनाव लड़ने का विचार ही नहीं है और ना हमारी ये भारतीय किसान यूनियन कभी भी राजनीतिक मामले में और उसमें दखलंदाजी नहीं सम्मिलित होने का विचार है। जी, हम आगरा से इलाहाबाद के लिए जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत का राष्ट्र अधिवेशन प्रयागराज में चल रहा है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लखीमपुर खीरी में 21 तारीख को धरना है, उसमें भी सम्मिलित होने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी और मिशन यूपी की 1 तारीख से शुरुआत हो रही है, उसमें सम्मिलित होने के लिए हम सभी आगरा से बड़ी तादाद में जा रहे हैं। अधिवेशन में मिशन 2022 को लेकर चर्चा होने की संभावना है। किसान नेता मानसिंह ने बताया कि सरकार ने MSP पर कमेटी नहीं बनाई है, सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो आंदोलन एक बार फिर से तेज हो जाएगा। अधिवेशन में जो फैसला होगा उस पर हर एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव बाद से दर्जन भर किसान प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं। सभी ने कहा राकेश टिकैत के आदेश का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अग्रवाल समाज के बाद अब कोरी समाज ने भी हुंकार भर दी है। इस दौरान अखिल भारतीय कोरी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्षद बंटी माहौर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर कोरी समाज को टिकट न मिलने पर अच्छा खासा आक्रोश जताते हुए ऐलान किया कि कोरी समाज भाजपा के खिलाफ मतदान करेगा। अखिल भारतीय कोरी समाज की बैठक रखी जिसमें ये निर्णय लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को कोली समाज का 99% वोट जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोली समाज की अपेक्षा की है, राजनीतिक हत्या की है। तो माननीय
भगवान दास सखवार प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है कोली समाज 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के रहेगा और उसको एहसास करा देगा कोली समाज भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू नहीं है। और अब के 9 की 9 आगरा की विधानसभा सीटों पर कोली समाज का प्रभाव पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम करेगा। इसे अलीगढ़ के इगलास से, आगरा के दक्षिण, आगरा के ग्रामीण और आगरा के कैंट से, ये इन सीटों से हमारे प्रबल दावेदारी थी, लेकिन एक भी जगह कोरी को न देकर ये भारतीय जनता पार्टी ने कोली समाज की उपेक्षा की है, जब कोली समाज 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है। आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरी समाज ने जो उपेक्षा की है, अगर अन्य कोई दल कोरी समाज को टिकट देता है तो पूरा कोरी समाज आगरा मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसी दल के पक्ष में मतदान करेगा जो आगरा से कोरी समाज की व्यक्ति को टिकट देगा। यदि कोई दल कोरी समाज को टिकट नहीं देता है तो कोरी समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी उतारने काम करेगा। आज की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। आगरा जनपद की राजनीति में इन दिनों हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा से 3 बार सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे अरुण कांत कठेरिया को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वा रहे हैं। सोमवार को प्रभुदयाल कठेरिया अपने बेटे अरुण कांत कठेरिया को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की तरफ ग्रामीण विधानसभा से नामांकन किया। आगरा जनपद की राजनीति में इन दिनों हलचल देखने को मिल रही है। भाजपा से 3 बार सांसद रहे प्रभुदयाल कठेरिया ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अपने बेटे अरुण कांत कठेरिया को आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वा रहे हैं। आपको बता दें, प्रभुदयाल कठेरिया भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, वे 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं। सोमवार को प्रभुदयाल कठेरिया अपने बेटे अरुण कांत कठेरिया को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर अरुण कांत ने आम आदमी पार्टी की तरफ से ग्रामीण विधानसभा से नामांकन किया। वहीं कठेरिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि लगातार भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग रहा, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, और अब फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी से टिकट के लिए आवेदन करता हूं, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी के पदाधिकारी कोई बात ही नहीं करना चाहते, जिसके कारण आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। जिस पदों पे आज मैं भारतीय जनता पार्टी पे रहा, अपने दिल से, न किसी का कोई दबाव न कोई प्रेशर, सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूँ। पार्टी के जितने भी पद है मेरे पास, सबसे इस्तीफा। अभी सिर्फ सदस्य हूँ और वक्त क्या बताएगा, हो सकता मैं सदस्य से भी इस्तीफा दे दूं। आज सिर्फ पदों से इस्तीफा दिया है मैंने। कौन कौन से पदों से इस्तीफा दिया है? मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, नहीं अभी जो इस्तीफा दिया, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष से इस्तीफा दे रहा हूँ, राष्ट्रीय परिषद से दे रहा हूँ, प्रदेश कार्य समिति से दे रहा हूँ, और जिन पदों पे मैं रहा उससे सबसे इस्तीफा। ऐसा क्या हुआ कि आपको इस्तीफा देना? वजह क्या है? वजह तो सिर्फ इस बात की है कि जो व्यक्ति गुनाह करता है वो तो पाप है ही, जो गुनाह कर रहा है और जो सह रहा है उससे भी ज्यादा बड़ा पापी। किसने गुनाह कर दिया और किसने गुनाह किया? मेरे साथ ये गुनाह हुआ। 2012 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 14 में मांगा, नहीं मिला। 17 में बहुत तैयारी करी, मुझसे इतनी तैयारी कराने के बाद, कहने के बाद मुंह से नहीं टिकट दिया। 19 में सोची, चलो 19 में लोकसभा का ही मिल जाएगा। जिसको टिकट दिया इज नॉट ऐसी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह, पार्टी अपना सोचे, दे दिया ठीक है। अब 22 की तैयारी करी मुझसे कह के कि अपनी बेटे की तैयारी करवाइए, और बेटी की तैयारी में एक साल से मेरी जनता जानती है, गांव 325 गांव मेरे बाप बेटा हम दोनों ने घूमे हैं, और जनता हमारी डकरा डकरा के कह रही, सर्वे हुए, सर्वे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? और दोनों विधानसभा सुरक्षित सीटें हैं यहाँ की, आगरा छावनी और आगरा ग्रामीण। हम किसी समाज के विरोध नहीं कर रहे, आखिरकार शेड्यूल कास्ट में और भी तो जातियाँ हैं। मित्र, ये बगावत नहीं है, ये बगावत नहीं है, ये सिर्फ जो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका मैं सदस्य था, उन्होंने जो आदेश किया ये उसके खिलाफ है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, सच्चा सिपाही रहा हूँ। मेरे पिता ने लगभग 30 वर्षों का अपना पूरा जीवन में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, और एक अच्छे कार्यकर्ता के साथ में उन्होंने अपना जीवन यापन किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और 3 बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं।
पार्टी के साथ में, मगर अब ये बात हम कह नहीं सकते कि क्या कोई जाति दुश्मनी है या कुछ ऐसे लोग जो हम लोगों को बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि पूरे ज़िले के अंदर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जो जनता के बीच में जाए और जनता का कार्य करे। कटेरिया वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद के पदों पर थे, हालांकि उन्होंने कहा कि वे अब सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बने सिंह के द्वारा कटेरिया के घर पर उनके पुत्र को सदस्यता दिलवाई गई। आपको बता दें कि भाजपा ने ग्रामीण विधानसभा से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य को मैदान में उतारा है। वहीं कटेरिया चुनाव में अपने बेटे का साथ देंगे या फिर पार्टी का, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक थोड़ा सा ब्रेक, जब लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आगरा की बांह विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान बांह विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा के साथ पार्टी के पदाधिकारी और प्रस्तावक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने अपनी जीत का भरपूर दावा किया। आगरा की बांह विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के दौरान वह विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा के साथ में पार्टी के पदाधिकारी और प्रस्तावक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने अपनी जीत का भरपूर दावा किया। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं आज नामांकन कर रहा हूं। आज समाजवादी पार्टी की जनता में पुकार है, माननीय अखिलेश यादव को नेता जनता उत्तर प्रदेश की मान चुकी है। बाह विधानसभा के अंदर 5 साल का कार्यकाल मेरा देखा है। गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, छात्र हो, हर लोग खुश थे। 24 घंटे में कभी भी अगर कोई भी समस्या लेकर के आता था, मैं उसका निराकरण कराने का काम करता था। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। राजशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, विधानसभा के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, लोगों को अंदर डराया जा रहा है और निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल उन्होंने देखा है, मेरा कार्यकाल भी देखा है, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल देखा है। आगरा ही नहीं, बा विधानसभा के अंदर भी सर्वांगीण विकास हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बहा के लिए घोषणा की है और जनता की मांग है। दरअसल आपको बताते चलें कि बांह विधानसभा में मधुसूदन शर्मा कोई नया चेहरा नहीं है। इससे पूर्व में भी मधुसूदन शर्मा बांह विधानसभा से बीएसपी के विधायक रह चुके हैं, मगर इस बार समाजवादी पार्टी ने मधुसूदन शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर विधानसभा में उतारा। अपनी जीत का दावा करने वाले सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। हमने उसको अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया है कि बाहर की जनता मांग कर रही है कि 90 किलोमीटर आगरा जनपद पड़ता है और लोग गरीब 90 किलोमीटर वहां से चल के आते हैं, तो हमने जनता की मांग थी कि जिला बनाना चाहिए, तो हमने माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया है। वो हमारी बात को सुनोगे, उन्होंने आश्वासन और विश्वास भी दिलाया है कि बाहर विधानसभा को जिला बनाने का काम करेंगे। आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, मैं मंदिर में दर्शन करने गया और अपने प्रोटोकॉल के तहत गया, 4-5 लोग मेरे साथ थे। ये लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग ये झूठे मुकदमे लिखाए, हम डरने वाले नहीं है। जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता ये जान गई है
कैंपेन पे झूठ बोलने के अलावा, ठगने के अलावा, ये छल कपटी सरकार है और जनता त्रस्त है और जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अपने से विश्वास उठ गया है, अपनों से विश्वास उठ गया है, इसलिए ये टिकट काटने का काम किया है। इन पे विश्वास नहीं रहा, नए चेहरे लाने का काम किया है, ये नए चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मधुसूदन शर्मा का दावा है कि बहा विधानसभा से उन्हें जनता का पार प्यार मिल रहा है, यही वजह है कि सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ सोमवार को भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल जिला मुख्यालय पहुंचे और अपना प्रस्ताव के साथ में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने बताया, फिर उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगरा के पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल को फतेहपुर सीकरी विधानसभा का बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ में सोमवार को भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल जिला मुख्यालय पहुंचे और अपने प्रस्ताव के साथ में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने बताया कि फिर उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल ने अपनी जीत का पुरजोर दावा किया है, साथ ही साथ यह भी कहा कि सांसदों के कार्यालय के दौरान जो विकास कार्य अधूरे रहे हैं उन्हें भी जल्द पूरा कराया जाएगा। और सभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जितने भी हमारे नेता हैं, सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने हम लोगों को प्रत्याशी बनाया और सेवा करने का दोबारा मौका लिया, बहुत बहुत हम लोग आभारी। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पंडित जी, हम लोगों ने हमारा अब तक का जो अधूरे काम रह गए थे, MLA के टाइम पर, मंत्री के टाइम पर, सांसद के टाइम पर, इतना हम लोगों ने काम कराया, थोड़ा बहुत काम और रहेगा जो पूरा करेंगे। मेन समस्या है पानी की, सिंचाई की, राजस्थान बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है हमारा, पीने की और सिंचाई की समस्या है, उसको पूरा करेंगे। मेन मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अलग नहीं है, मेन मुद्दा विकास है। खासतौर से फतेहपुर सीकरी इलाके में जो पेयजल की समस्या है उसको सब लोग मिलकर के उसका समाधान कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल फतेहपुर सीकरी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है, यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल को फतेहपुर सीकरी की जनता हाथों हाथ ले रही है। राज रॉयल गार्डन आवास विकास कॉलोनी आगरा पर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल आगरा के द्वारा टेंट और डेकोरेशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें मुकेश निरवानिया को चेयरमैन और पवन अग्रवाल को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेम के अध्यक्ष हरेश अग्रवाल ने की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल आगरा के द्वारा राज रॉयल गार्डन आवास विकास कॉलोनी में टेंट एवं डेकोरेशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें मुकेश निर्वानिया को चेयरमैन एवं पवन अग्रवाल को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेम के अध्यक्ष हरेश अग्रवाल ने की। इस अवसर पर महामंत्री ब्रजेश पंडित ने बताया कि विभिन्न व्यवसायों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन सबके समाधान के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ की आवश्यकता होती है। इसी तरह अलग अलग व्यापारों के प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। मंच संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री ब्रजेश पंडित के द्वारा किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल जैसे कि ऑल इंडिया संगठन है, हमारी नीति है कि सारे व्यापारी हर व्यापार की समस्या को नहीं जानते। जो व्यापार जिसमें कर रहा होता है वहाँ की समस्याओं से वही वर्ग जूझ रहा होता है। उसी एक नीति के अंतर्गत हम लोग पूरे शहरों में अलग अलग प्रकोष्ठों का गठन करते हैं, जैसे ऑलरेडी हमारे विद्युत प्रकोष्ठ, ज्वेल्स प्रकोष्ठ, यातायात प्रकोष्ठ, GST प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आज टेंट एंड डेकोरेशन प्रकोष्ठ का हमने गठन किया है, जिसका चेयरमैन हमने मुकेश निर्वानिया और वाइस चेयरमैन पवन अग्रवाल जी को घोषित किया है। इन लोगों के माध्यम से टेंट एंड डेकोरेशन व्यापारियों की क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस चीज़ से वो जूझ रहे हैं, क्या क्या उनको सरकारी और गैर सरकारी लोगों से परेशानियां आ रही हैं, उनके ऊपर चर्चा करके और फेडरेशन की पूरी ताकत लगा करके इन व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम आगे काम करेंगे। आज
हम लोगों ने पेंट एंड डेकोरेशन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया के 18 स्टेट्स के अंदर और करीब 450 जिलों के अंदर फैला हुआ है और आज भारत का सबसे बड़ा संगठन है जो व्यापारियों के लिए व्यापारियों के हित में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जाकर के हम लोगों के GST प्रकोष्ठ, यातायात प्रकोष्ठ, विद्युत प्रकोष्ठ, इलेक्ट्रिक प्रकोष्ठ, सरापा प्रकोष्ठ, सभी चीज़ों का हम लोग गठन कर रहे हैं। जाकर के आज इसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने टेंट एंड डेकोरेशन प्रकोष्ठ का गठन किया है और यहाँ के हमने चेयरमैन मुकेश नरवानिया जी को और पवन अग्रवाल जी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है और आगे ये लोग टेंट की समस्याओं के लिए जो भी समस्याएं इसमें आती हैं उसके दूर करने का प्रयास करेंगे। समय समय पर हम लोग इनका साथ देंगे और आने वाले टाइम में सभी व्यापारियों के हित में हम लोग काम करते रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित रहने वालों में हरीश अग्रवाल अध्यक्ष, ब्रजेश पंडित महामंत्री, रविंद्र अग्रवाल, विकास मोहन बंसल आदि लोग मौजूद रहे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा होते ही निर्वाचन क्षेत्रों को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए जनपद के अलग अलग स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा होते ही निर्वाचन क्षेत्रों को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए जनपद के अलग अलग स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं व लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में CO सिरसागंज कमलेश कुमार के निर्देशन में पैरामिलिट्री फोर्स व पुलिस के जवानों ने शहर के कुछ मुख्य मार्गों पर निकल आमजन को चुनाव में